रोजी रोटी में फर्क पड़ेगा अगर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आएगी तो। सही बात है, कई काम जीके हुए हैं, ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो आ रही है इनकी ट्रेनिंग दी जाए हमें। पर ठीक कराने के लिए कहाँ जाएंगे? तो हम चाहते हैं कि सरकार के पास जो है ना आपके माध्यम से इनकी आवाज़, मिस्त्रियों की आवाज़ पहुँचे। जी, मैकेनिक जो ऑटो पार्ट्स के मैकेनिक है उनका कुछ कहना है, वो कुछ गुहार लगाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑटो के लिए जो महिलाओं के लिए आएंगे उसके लिए क्या तैयारी की है? जी जी, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। हम GNG का काम करते हैं जी। हम ये सोच रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए इसके लिए जो कंपनी में, या फिर भाई हम GNG का काम करते हैं हमारी रोजी। और ये जो महिला ऑटो आ रहे हैं, महिला चलाएंगी इन्हों को, इन्हों को कोई परेशानी ना हो, हमें टोल फ्री नंबर दिया जाए सरकार की तरफ से जी, और हमें जगह भी दी जाए। बात करते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता जी। भाई हम GNG का काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी में फर्क पड़ेगा अगर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आएगी तो। सही बात है, कई काम जीके हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो या तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो आ रही है इनकी ट्रेनिंग दी जाए हमें। पर ये सरकार तो लोगों के लिए अच्छा सोच रही है कि इलेक्ट्रिक ऑटो है, पॉल्यूशन नहीं होएगा। हमें हमारे साथ तो बुरा हो जाएगा ना, हमारे बीवी बच्चों को कौन पालेगा। सही बात है। नहीं, मगर ये सोचो ना, आपको अगर सरकार कोई काम दे दे तो अगर इलेक्ट्रिक ऑटो आने से दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, अगर सरकार आपको कोई रोजगार दे दे या कुछ कर दे फिर तो कोई ट्रेनिंग लेना बहुत ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी जी, महिलाओं के लिए भी है। कहां जाएंगे हम? जी जी, ऑटो ठीक कराने के लिए इतने। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली में आता है तो आपके रोजगार में फर्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आप क्या सरकार से कुछ क्या कहना चाह रहे? सरकार क्या सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, महिलाएं भी परेशान होंगी इसमें, महिलाओं की गाड़ी आ रही है, इसके लिए हमें टोल फ्री नंबर दिया जाए और जगह भी दी जाए कहीं काम करने के लिए। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार आपको जगह दे दे। भाई ये तो यही है कि परेशानी हमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी, ठीक है ना। जब तक ये CNG ऑटो है जब तक चल रहा है ठीक है, बैटरी वाले आ जाएगा फिर कहाँ काम सीखेंगे हम। सही बात है, हम पूरी जिंदगी इसी में काम सीखने में थोड़ी ना लगा देंगे जी जी, क्योंकि ये तो अब इंजन मान रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये लग गए। इसका काम कर रहे हैं हम, बैटरी वाली आएगी तो उसका काम सीखना पड़ेगा जी, या तो उसकी ट्रेनिंग दे पहले। अगर आपको सरकार को ट्रेनिंग दे या आपको जगह दे तो आप करने को तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही मुद्दा था कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है और जो मैकेनिक है इनके काम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इन्होंने बता दिया कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है तो हमको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और इसके साथ साथ हमको कोई जगह दी जाए जिससे कि हमारे काम पे कोई फ़र्क ना पड़े। इसी का अभी किसी भी मिस्त्री ने इसकी तैयारी नहीं करी है। हाँ, तो हम लोग भी चिंतित हैं जी, क्योंकि अभी तक कोई इनकी तैयारी नहीं हुई है जी। तो अगर हमारी गाड़ियाँ आ जाएंगी तो हम उसको फिर ठीक कराने, जो मिस्त्रियों को एक ट्रेनिंग दी जाए और इनको जगह भी दी जाए और टोल फ्री नंबर भी दिया जाए, ताकि ये महिलाओं के लिए जो ना एक तो अपनी ट्रेनिंग ले सकें इलेक्ट्रॉनिक। पर मैडम मैं तो ये कहना चाहूंगा ठीक कर सके हमारी गाड़ियाँ, अगर रास्ते में खराब हो गई तो ये जाकर ठीक कर सके। पर आपको चिंता का विषय ये है कि अभी तक किसी भी जितने भी ये मैकेनिक है किसी के पास भी अभी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की तैयारी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा चिंता इस चीज की है कि मैकेनिक को काम नहीं मिलेगा, काम पे फर्क पड़ेगा, पर आपको जो चिंता है वो है मैकेनिक की, कि मैकेनिक का काम छिन जाएगा। और मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी मैकेनिक भाई सड़कों पर बैठे हैं इनको सरकार जगह दे, और प्लस इनका जो नेक वर्कशॉप होता है उसमें इनको ट्रेनिंग दी जाए जी, और जो भी गाड़ियां आएंगी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो उनको ये ठीक कर सकें।